हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बरोटा में जन समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने मरहाणा में कोठी बाया मरहाणा संपर्क सड़क का उद्घाटन करने के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालो खरियाला में 2 कमरों की आधारशिला रखी, तो साथ ही बगेड़ फटो नला सड़क मार्ग पर बने नवनिर्मित पुल का भी उद्घाटन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन के तहत 85 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत होने की बात कहते हुए 53 करोड़ की एक बड़ी योजना जिसमें सतलुज से पानी उठाकर छोटी छोटी योजनाओं के तहत घर घर पानी पहुंचाने की बात कही है। इसके साथ अप्रैल माह तक घुमारवीं हल्के के हर ग्रामीण क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने का दावा भी किया है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में हिमाचल प्रदेश को शामिल करने व अधिकारियों द्वारा इस पर तत्परता से काम करते हुए आगामी बजट सत्र के बाद इसे प्रदेश में लागू करने की बात कही है, जिससे कोई भी राशन कार्ड धारक देश के किसी भी डिपो पर राशन ले पाएगा। हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन से 85 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें से 53 करोड़ रुपए एक बड़ी योजना जो है वो सतलुज से पानी उठाने की है। सतलुज से पानी उठाकर हमारी जो छोटी छोटी अन्य स्कीमें हैं उन स्कीमों को उस स्कीम के बड़ी स्कीम के माध्यम से फीड करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या पानी की ना रहे। और उसका काम जो है स्वीकृत होने के बाद टेंडरिंग उसकी हो गई है। टेंडरिंग होने के बाद जो है अवार्ड लेटर चले गए हैं और उसके बाद काम शुरू हो गया और काम भी जोरों पर शुरू हुआ है। सड़कें हम पूरे क्षेत्र की सड़कों को मैक्सिमम सड़कें हमने ठीक कर दी है और जो नई सड़कें हैं उनके लिए भी बजट मुहैया करा दिया है और जो अप्रैल के महीने में हम लगभग सभी सड़कों को जो है वन नेशन वन कार्ड का जो योजना है वो हम हिमाचल प्रदेश उसमें शामिल हो गया है। हमारे विभाग ने उस पर बहुत तत्परता के साथ काम किया है और कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी अब अपना राशन जो है कार्ड पर किसी भी प्रदेश में जाकर ले सकता है। सुविधा हिमाचल के में भी प्रदान होगी। कब तक उम्मीद है कि मार्च वगैरह से शुरू करेंगे इसको? इस बजट के बाद हम इसको शुरू कर देंगे।